सो फाइनली अपना जो चीता है, अपनी पल्सर RS 200 है, वो वापस आ चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने उसको राइड नहीं करा है। काफ़ी टाइम से आपने चैनल पे देखी भी नहीं है बाइक अपनी, तो चलो आपको बाइक दिखाते हैं। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हुई है वो आगे चलते हैं, आपको बाइक दिखाते हैं उसके बाद बताते हैं। देखो थोड़ा सा कुछ डैमेज हो गया है, क्या डैमेज हुआ है वो आपको पता चल जाएगा और चोट सीधा दिल पर लगी है भाई। चलो लेट्स गो। सो गाइस आ चुके हैं हम लोग अपने चीते पे, अपनी पल्सर RS 200 पे, एकदम सही हो चुका है ये। और भाई यकीन नहीं करोगे क्या भाग रहा है। बस एक दो छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी हैं जो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो जैसे जब मैं क्लच ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट जल जा रही है, तो ये यहाँ से मे भी कोई सेंसर का इशू है छोटा मोटा, तो वो भी सही कराएंगे। सबसे पहले आपको इसको भगा के दिखाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम, इसमें मैंने मोर देन हाफ टैंक फ्यूल डलवा रखा है, बट यहाँ पे देखो ये दिखा नहीं रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि इसका जो फ्यूल लेवल इंडिकेटर वाला जो अंदर डिवाइस फिट होता है वो ख़राब हो गया है। तो सबसे पहले भगाते हैं, देखते हैं कैसी भाग रही है। 10.5 thousand, परफेक्ट शिफ्ट, वाह। और पल्सर RS 200 से जो अपना बॉन्ड है ना भाई, वो दिल का रिश्ता है। तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं स्पीडोमीटर देखना भी नहीं पड़ता है और तब भी इतना परफेक्टली, इतना टाइमली शिफ्ट कर सकता हूँ। और क्या भाग रही है भाई, डाउन शिफ्ट करते हैं, देखो ऊपर देख रहा हूँ, देखो भाई क्या शिफ्टिंग होती है भाई, कुछ ऐसी सेट है ये हाथों में गाड़ी, चीज ही ऐसी है भाई, चीज ही ऐसी है, बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता। बाय द वे RS की हाफ सेंचुरी पूरी होने वाली है, मतलब 50K किलोमीटर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अभी तो मैंने जीरो किया था जब फ्यूल डलवाया था, अभी बाइक चल चुकी है 47,595 किलोमीटर्स। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको देखना है RS 200 पे कोई स्पेशल व्लॉग, तो आप कमेंट सेक्शन भर डालो भाई, पूरा लिटरली पूरा भर डालो। और एक बार मैं बाइक दिखा देता हूँ, क्या प्रॉब्लम हल्की सी हुई है वो दिखा देता हूँ, और कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ जो नई लगी हैं। तो चलो देखो, ये रहा अपना चीता और क्या सनसेट हो रहा है, देख सकते हो। और मैं हमेशा कहता हूँ देखो, सनसेट ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं बिकॉज जो एंडिंग होती है वो भाई बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, शुरुआत कैसी भी हो आपकी। तो चीता अपना एकदम फुल फ्लैश में रेड में चमक रहा है एकदम, बिकॉज ये इसका स्टॉक कलर है। आगे से अभी भी ब्लैक हो रखा है थोड़ा, और मडगार्ड भी ब्लैक है। तो सही बताएं, मुझे ब्लैक में सबसे ज़्यादा पसंद है अपनी पल्सर RS 200। तो पूरा ब्लैक थीम दी थी, उसके बाद मैंने ये कॉपर गोल्ड रिम कराए थे। बाय द वे काफ़ी लोग गोल्ड करा लेते हैं, बट वो गोल्ड और ये गोल्ड डिफरेंट है। तो आप ये वाला कराओगे तो ये प्रीमियम लगता है और वो थोड़ा सा गंदा फील देता है कभी कभी। तो बाकी आप देख सकते हो बाइक कैसी लग रही, कॉमेंट करके बताओ। एक जो दिल पर छोटी सी चोट लगी है वो दिखा देता हूँ। तो ये देखो ये हुआ है, तो मैंने एक्चुअली अपना काफ़ी क्लोज जानने वाला मैकेनिक है उसको दी थी। तो वो बता रहा था कि कोई अंकल बाइक खड़ी थी, अंकल ने ठोक दिया बाइक को आके, तो जो कार्बन फाइबर फिनिश वाला जो पार्ट था वो टूट गया है, प्लस ये डैमेज हुआ है। तो अगर वो पार्ट मिल जाए कहीं से तो बहुत ही अच्छा है, तो वो मैं लगा सकता हूँ इस पर। तो ये जो पोर्शन है ये छुप जाएगा, तो एग्जॉस्ट एकदम क्लीन लगेगा, कुछ पता नहीं चलने वाला है। बट वही पोर्शन नहीं मिल रहा है, तो कोई इंडिया से ये व्लॉग देख रहा है, जानता है कि वो कहीं से दिला सकता है ये पार्ट, तो डेफिनेटली यार मुझे थोड़ा टैग वैग करो। ऐसे DM सारे देखना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप लोग टैग कर दोगे तो मैं डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। मैं देखो पहले गियर में स्पीड अप करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे एक्सेलरेट हो रही है ना, गुड एज न्यू मैन, गुड एज न्यू। और मैंने आपको कहा ना कि RS कभी निराश नहीं करती भाई, ये ऐसी मोटरसाइकिल है कि आप कभी भी निकालोगे ना आपके चेहरे पे स्माइल आनी ही आनी है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने R15M सेल कर दी थी, बिकॉज जब अपने पास RS 200 है तो उसके बाद R15 की नीड भी नहीं थी मुझे कोई। काफ़ी लोग मेरे से आज तक पूछते हैं कि R15 क्यों निकाल दी, एज अ डेली ड्राइवर मैं 390 यूज़ करता हूँ। तो 390 के बाद आई रिस्पेक्ट एवरी मोटरसाइकिल, बट 390 के बाद आप R15 चलाओगे ना तो आपको बहुत अंडर पार फील होगा, वो मज़ा नहीं आएगा। स्टिल अगर आप RS चलाओगे तब भी आपको अच्छा लगेगा, बट अगर आप R15 चला लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पावर की कमी फील होने वाली है। बट डेफिनेटली जो भी अपने R15 वाले लड़के हैं, जो लोग R15 ओन करते हैं, मैं उनसे 100% ये लिख के दे सकता हूँ कि उससे अच्छी मोटरसाइकिल 150cc कैटेगरी में है ही नहीं। क्या स्मेल आ रही भाई, एक्चुअली अपना ही वाला परफ्यूम है और थोड़ा टाइम हो गया इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ कौन सा है, चलो देख लो पहले आप।
अच्छा दिखना ही नहीं, अच्छा स्मेल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अच्छा स्मेल करते हो, अच्छा दिखते हो, तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। जो ब्रांड है फाइव, दे हैव सेंट मी द परफ्यूम लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्च हुआ था, तो मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ एंड सच में आई एम लविंग इट। बाय द वे ये चार फ्रेग्रेंस में अवेलेबल है, तो जो मेरा वाला है आप देख सकते हो, इट इज फाइव सोशल एंड इसकी जो स्मेल है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। इट हैज गॉट ग्रेट एक्वा सिट्रस फ्रेग्रेंस, जिससे आप काफी फ्रेश फील करते हो एंड दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल। इट हैज गॉट टॉप नोट्स ऑफ मिंट एंड मैंडरिन ऑरेंज एंड मिडिल नोट्स जिंजर एंड नेरोली लेयर्ड ओवर अ वार्म वुडसी बेस ऑफ एम्बर एंड सैंडलवुड। एंड एक्चुअली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है एंड इट्स अ गाय थिंग। और बाइकर्स, वेदर इट्स अ हॉट सनी डे या कोई भी आप लॉन्ग ट्रिप पे लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, लुकिंग एंड फीलिंग फ्रेश इज अ वंडरफुल फीलिंग। फ्रैंकली स्पीकिंग द बॉटल ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, बहुत ही एलिगेंट लगती है, बहुत ही क्लासी लगती है एंड दिस फेस्टिव सीजन दिस कैन बी अ नाइस गिफ्टिंग ऑप्शन टू। बाय द वे, फाइव मेक्स 100% वेगन डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स फॉर गाइस। इंटरनेशनल मेंस डे इज अराउंड द कॉर्नर, इट्स ऑन 19th, सो गिव योरसेल्फ एंड योर ब्रोस सम लग्जरी। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली, इट्स जस्ट 750 रुपीज। बाय द वे, हैवी डिस्काउंट भी चल रहे हैं अभी, अप टू 35%। गेट ग्रेट डील्स ऑन फाइव परफ्यूम, चाहे आप अमेजोन पे शॉप करो, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे शॉप करो। एंड बाय द वे, यू ऑल्सो गेट इन 50 ml पैकेज, तो अगर आपको ट्राई करना आप ट्राई कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी दिस इज योर चांस एंड यू वॉन्ट रिग्रेट इट। अपने चीते का तो एक अलग ही फैन बेस है, अलग ही मोहब्बत है लोगों को। कहीं भी जाता हूँ लोग कहते हैं भाई आपकी RS कैसी है, आपका चीता कैसा है, तो भाई देखो चीता ऐसा है। बाकी एक टैगलाइन थी, काफ़ी फेमस हुई थी, मैंने बोला था तो काफ़ी लोगों ने मुझे रिवेंशन किया था, टैग किया था कि भाई चीता जो है अपना वो R15 को तो नाश्ते में खाता है। तो ये वाली जो लाइन है ये काफ़ी फेमस हो गई थी इंस्टा पे, बहुत लोगों ने टैग किया था मुझे। ये सब मस्ती मजाक चलता रहता है, कोई कभी दिल पे मत ले, मैं सीधा बोलता हूँ, क्योंकि मुझे जो मोटरसाइकिल्स पसंद है वो पसंद है, बहुत ही डायरेक्ट हूँ मैं। बाकी क्लच प्लेट नई डल गई है पूरी, बल्कि क्लच असेंबली नई डल गई है। की प्रॉब्लम हो रही है कि क्लच लेने पे ये न्यूट्रल वाली लाइट जल जा रही है, बहुत ही छोटा इशू है आई एम श्योर। यहाँ पे कोई सेंसर या कोई बटन होता है छोटा सा, वही प्रॉब्लम कर रहा होगा, उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई और इशू है। बाकी इंजन बहुत ही सेक्सी रेव हो रहा है और गेयरबॉक्स तो हमेशा से RS का स्मूथ ही रहा है, कभी मुझे गेयरबॉक्स से कोई कंप्लेंट नहीं थी। अगली ब्रेक भी बहुत अच्छी कर दी है। और दूसरी चीज़, इस बाइक में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो सबसे बढ़िया सॉल्व हो गई यार, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। बिकॉज ये पता है क्या करती थी, जब आप क्लच लो तो बाइक बंद हो जाती थी और उतना ज़्यादा तो 2000-3000 RPM में ये स्टेबल फील नहीं होती थी, तो अब बिल्कुल वैसा नहीं है, अब ये एकदम ही स्टेबल फील हो रही है। इनफैक्ट जैसा लग रहा है कि मैं नई गाड़ी चला रहा हूँ शोरूम से निकली हुई, बिकॉज ये सब चीज़ें भी नई हो गई है ना, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है यार मुझे। आपको पता है प्रोजेक्ट RS शुरू होने वाला है, तो उससे पहले मैंने कहा बाइक को एकदम फिनिश कर लेते हैं, एकदम रेडी कर लेते हैं। बाकी कुछ एक दो चीज़ें नई भी लगी हैं वो दिखा देता हूँ। तो ये पार्ट मैंने BS6 RS का लगवा दिया है, ये पूरा जो ऊपर का पोर्शन था ये चेंज करवा दिया है, ये देखो इस पर पेंट एंड काफ़ी कुछ गिर गया था तो बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने कहा ये सब चेंज करवा देते हैं। अगर अपने चीते पे पैसा लगाने की बात है तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, बिकॉज ये बाइक मेरे साथ हमेशा रहने वाली है। बहुत ज़्यादा साथ दिया इसने हमेशा, जब कुछ भी नहीं था अपने पास, लिटरली पेट्रोल के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तब से इस गाड़ी ने इतना साथ दिया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हर एक सिचुएशन में ये गाड़ी मेरे साथ रही है। बेस्ट पार्ट पता है RS का, इसने कभी भी मुझे धोखा नहीं दिया लाइफ में। ऐसा नहीं हुआ कि यार RS ख़राब हो गई है मुझे कहीं जाना है, बट इसने कभी भी नहीं दिया, तो इससे एक अलग ही मोहब्बत। एक छोटा सा हक कर लेते हैं अभी भी डन। तो वो पोर्शन पूरा नया करवा दिया मैंने। एग्जॉस्ट का देखो गम तो है ही है, अगर कोई जानता है ये पार्ट कहाँ मिलेगा तो आप डेफिनेटली मुझे टैग कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी में रीमेंशन कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे रेड करवाना है, देखो ये फिक्स कर दिया गया है, ये एक्चुअली डैडी ने डैमेज किया था बट बताया नहीं था कि उनसे हुई है, बट बाद में उन्होंने कबूला काफ़ी टाइम बाद। एंड आगे से कुछ ऐसी लग रही, आगे भी थोड़ा बहुत डैमेज दिख रहा है मुझे, अब पता नहीं, देखते हैं क्या सीन रहता है। मुझे लगता है वो पीछे से जिन भी अंकल ने ठोकी, वो बता रहे थे काफ़ी बूढ़े अंकल थे, खड़ी गाड़ी में ठोक दिया उन्होंने, तो उसके बाद बाइक गिरी भी है क्योंकि ये भी डैमेज हुआ है। ये देखो, जब ये सब देखा मैंने तो मुझे बहुत दर्द हुआ अंदर से, अंदर से ऐसा दिल टूटा ना यार, कि इस पर एक भी खरोच आती है ना तो सीधा दिल पर खरोच आती है भाई, इतना ज़्यादा मोहब्बत है इस गाड़ी से मुझे। तो मैंने कहा आपको दिखा देते हैं चीता कैसा है, कैसे हाल में। और अब शुरू होने वाला है प्रोजेक्ट RS 200। अपने आइडियाज़ कमेंट करो, हर एक चीज़ कमेंट करो एंड चलो। बाकी परफ्यूम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो जिसको परचेज करना है परचेज कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई करो, रिग्रेट नहीं करोगे आई एम श्योर। और बाकी इस वीडियो का एंड करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। और चीते का कोई वीडियो देखना है तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि 50,000 किलोमीटर होने वाले हैं उसके कंप्लीट, तो कुछ ऐसा स्पेशल व्लॉग कुछ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ नीचे। चलो लेट्स गो।